तो भाई ये देखो ओला में राइड बज रही है मेरे पास, इसको भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। वह पिकअप थोड़ा लंबा है, एक बार पूछ लेता हूँ इनसे। सावली जाना है, पैसे नहीं दिखा रहा, ये गलत है भाई इसका। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। होता है होता है। यहाँ पे पैर रख दे, फिर शोल्डर पे, फिर बैठ के। ओके। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज है संडे का दिन और भाई अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। बाकी भाई आप लोग मेरे को बोल रहे थे कि ओला करो, भाई आज मैं इसीलिए लेट आया हूँ क्योंकि देखो संडे को राइड वगैरह होती नहीं है। बाकी आज अपन ओला करेंगे क्योंकि मैंने आईडी वगैरह सब बना दिए और पूरी डिटेल मतलब फिल कर दी है इसमें। बाकी देखो मैंने ड्यूटी ऑन कर दिए और भाई दिखाएंगे आपको कि भाई काम कैसे करते हैं ओला पे। देखो इनका फ़ोन आता रहता है कस्टमर केयर का। बाकी भाई देखो ड्यूटी को ऑन कर दिया हमने, ठीक है। अभी कोई ऑर्डर बसता है हमारा पहला, तो भाई हम बताते हैं आपको कि कैसे कैसे पिकअप करना है इसको और कैसे कैसे काम करना है इसमें, ठीक है गाइस। राइड आ गई, देखो हमारे पास पहली राइड, ठीक है। अभी क्या है, इसको ओके कर देंगे तो हम रेडी हो जाएगी। पर भाई इसको पिकअप करने 3 किलोमीटर जाना है, अपन नहीं जाएंगे इसको पिकअप करने, ठीक है। कोई दूसरी राइड बजेगी कोई आसपास की तो उसको उठाएंगे, ये तो बहुत दूर हो गई। एक क्या है ना, इसमें दिक्कत यह है कि भाई इसमें पता नहीं लगता कि जाना कहाँ पर है। ये राइड बजा रहा है देखो, इसमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ पर है हम लोगों को। बस ये दिखाएगा कि आपका पिकअप है 2-2.5 किलोमीटर का, फिर कस्टमर से पूछना पड़ेगा। बाकी कोई दूसरी राइड बजेगी तब मैं एक्सेप्ट करके तब बताऊंगा आपको कि भाई कैसे कैसे करना है। भाई ये देखो ओला में राइड बज रही है मेरे पास, ठीक है। इसको भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, वह पिकअप थोड़ा लंबा है, एक बार पूछ लेता हूँ इनसे भी। ये कोई लड़की है, कॉल करके पूछ लेते हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना है और जाना कहाँ पर है, कितने रुपए दिखा रहा है, सब कुछ पूछ लेंगे इनसे, ठीक है। हेलो मैम, राइड बुक करी थी आपने, कहाँ पर जाना है आपको? हाँ जी, दुर्गा चौक पे आपका है। मैम मैं अभी नेहरू कॉलोनी में हूँ, आपसे पूछ रहा था कहाँ पर जाना है आपको। जाना किधर है? जाना सावली जाना है। अच्छा कितने रुपए दिखा रहा है मैम? वो 51 दिखा रहा है। ठीक है मैम। भाई 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप है ये भी, ठीक है। इसको भी मैं नहीं लेके जा रहा हूँ यार, बेकार है वैसे ये ना। कैंसिल कर दी मैंने दोबारा से बुकिंग। इसमें ऐसा भी है कि भाई कितनी राइड कितनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं? भाई यार ये तो पैसे नहीं दिखा रहा, ये गलत है भाई इसका। मतलब बार बार उठाओ, बार बार कैंसिल करो वो। अरे खड़ा लपड़ा तो है भाई। चलो भाई एक राइड आ गई है मेरे पास ओला में, उसे कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल लेके जाना है। तो चलो इसे फटाफट पिकअप मारते हैं, थोड़ा सा है लंबा पिकअप क्योंकि भाई मैंने 3 राइड कैंसिल कर दी, तो भाई अभी ये वाली उठानी पड़ गई मेरे को। यार इसमें यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि भाई ये दिखाता नहीं है कि बंदे को जाना किधर है ना, गलत है वैसे ये चीज़। पर कोई नहीं, चलो बता देते हैं आपको कि पैसा कितना देता है, मेरे को भी पता चल जाएगा कि पैसा कितना मिलेगा इसका और कितने किलोमीटर। राइड बुक करी थी क्या अंकल आपने? आपने करी थी राइड बुक? एक सेकंड, हाँ राइड बुक ओला में ना। हाँ ओटीपी बताना। ठीक है एक घुमा लेते हैं। बैठ गए चलो भाई, पहली राइड तो हमने पिकअप कर ली है, 4.5 किलोमीटर लेके जाना है इनको। तो चलो फटाफट ड्रॉप करते हैं ना, फिर बताते हैं आपको कितने रुपए मिलते हैं इस राइड के मेरे को, ठीक है। 48 रुपये हो गए अंकल इसके। कैश कलेक्टेड। गाइस बहुत कम पैसे दिए भाई इसने तो ओला ने।
बहुत ज़्यादा कम पैसे दिए इनने भाई, 4.5 किलोमीटर के इनने 28 रुपये दिए, अंकल से इसने 48 रुपये लिए हैं। ऐसा क्या है भाई, बहुत बुरा, मतलब बेकार है यार। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि भाई ये ऑर्डर बसता है तो बसता ही रहता है, फिर हटता भी नहीं यहाँ से। तो भाई ओला भी मेरे को नहीं लगा, बढ़िया नहीं लगा भाई ओला। 28 रुपये दे रहा यार 4.5 किलोमीटर के, इससे बढ़िया तो भाई जोमेटो भाई। भाई जोमेटो इससे बढ़िया तो जोमेटो ये महंगा, कम से कम 4 किलोमीटर के 40 रुपये तो देता, इससे बढ़िया तो अपना रैपिडो है भाई, 9 रुपये वाली आईडी पर किलोमीटर के हिसाब से। बाकी गाइस रैपिडो मैंने ऑन है मेरा, ठीक है, ऊबर भी ऑन कर देते हैं। देखो भाई करके बता रहा था मैं आपको ओला में काम कैसे होता है, भाई ओला में ऐसे होता है काम भाई, बेकार है ओला, ठीक है, बेकार कंपनी है ओला भी, पैसे नहीं दे रहा भाई। देखो मैं आपको बिल्कुल सही सही बताऊंगा, जिस कंपनी में ज़्यादा पैसा है ना, मैं उसी चीज़ के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई उस चीज़ में आप काम कर सकते हो। भाई देखो अभी तक मैं जो कर रहा, मैंने लोड शेयर करा एकदम, वो तो थकी हुई कंपनी है ओला, ओला का मैंने फूड नहीं मारा अभी तक, फूड में पता नहीं कैसे पैसे देता है। बाकी भाई राइड में तो बिल्कुल ही ख़त्म पैसे दिए इसने मेरे को, ठीक है। भाई रैपिडो बढ़िया है और जोमेटो बढ़िया है, और बाकी भाई ब्लिंकिट बढ़िया है, ये तीन कंपनी बढ़िया है, तीन कंपनी में आप काम कर सकते हो, जोमेटो, रैपिडो और भाई आप ब्लिंकिट में। स्विगी का भी भाई मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि स्विगी भी ना बहुत पैसे थके हुए देता है, तो ऐसे ही है भाई। ओला यार, मैं तो भाई ओला से उम्मीद करके बैठा था कि भाई ओला भयंकर पैसे देगा, काम करा देगा सही, पर नहीं कराया भाई इनने तो। और भाई ओला में क्या है, इसमें इंसेंटिव भी मिल रहा है, मैं खुश हो गया था कि भाई वो देगा, ये भयंकर इंसेंटिव वगैरह देगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं दे रहा भाई, कुछ भी नहीं दे रहा है। हेलो भाई, ऊबर की राइड पर पहुँच गए हैं, ये दिखा रहा आपके 66 है? कि भाई राइड कंप्लीट कर देते हैं, एक और राइड बजी है मेरे पास, देखो शर्मिला, शर्मिला जी को पिकअप करना है, ठीक है भैया, आगे से ही पिकअप करना है ये भी। बाकी सही है यार, ऊबर में भी सही है भयंकर, ऊबर में भी बैक टू बैक राइड बजा देता है, मतलब एक राइड में अभी छोड़ ही रहा था, उतने में मेरे पास दूसरी राइड आ गई, मैंने बोला एक्सेप्ट कर लो भाई, 82 रुपये की राइड थी ये, एक्सेप्ट मार दिया मैंने, ऊपर से पिकअप करना है, तो चलो फटाफट पिकअप मारते हैं इनको 1.7 किलोमीटर से और छोड़ते हैं, लेट्स गो। एक मिनट, आपके हो गए हैं 85 रुपये हो गए आपके, खुले तो 5 रुपये तो नहीं होंगे खुले, ठीक है, ओके। तो लो जी गाइड्स, भाई ऊबर में थी ये मेरी सेकंड राइड, भाई पता नहीं कहाँ आया हूँ मैं, तो जगह का नाम भी नहीं पता मेरे को, पर कुछ भी बोलो जगह बड़ी प्यारी है। और भाई पैसे क्यों नहीं दिखा रहा है, बाकी भाई पता क्या, देखो यहाँ से इस जगह से ना तो रैपिडो बजेगा ना ही ऊबर बजेगा, किस चीज़ के ऊपर अपन वो कर सकते हैं विश्वास, ओला के ऊपर, क्योंकि ओला बजा सकता है, पर मैं ओला करूँगा गो टू होम लगा के। ये देखो कहाँ की, रिस्पना पुल, अरे रैपिडो बज गई भाई, ये देखो भाई 2.5 किलोमीटर का, अरे भाई साहब, तो चलो बढ़िया है, इसे बंद करो ओला को। चलो देखो वो बोलते हैं ना, जिस चीज़ से उम्मीद नहीं होती वो चीज़ हो जाता है, बाकी भाई देखो ओला से ही बच गई हमारी, और इस ओ सॉरी रैपिडो से बच गई है, रैपिडो को लेके चलते हैं, और बड़ी राइड है, मतलब बोले तो 70-80 रुपये की राइड होने वाली हमारी है, तो चलो फटाफट पिकअप मारते हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ओए होए,
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं होता है होता है यहाँ पे पैर रख दे फिर शोल्डर पे फिर बैठ के फिर करते होता है होता है एक बार ऐसी क्या हुआ है पेमेंट नहीं हुई अभी 71 एक बार ऐसी हुआ एक अंकल थे मोटे से उतरते समय पूरी गाड़ी लिटा दी उन्होंने वही तो मतलब आपकी बाइक काफी अच्छी है सुंदर है थैंक यू 71 हो रहा आपका ना वही मुझे लगा डेफिनेटली आप पैसों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ये है कि कंटेंट वगैरह ढूंढने के लिए ना निकल जाते हैं कभी कभी और लोग भी मिल जाते हैं आपको करने के लिए टाइम पास भी हो जाता है बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ओके अच्छा लगा ओके थैंक यू चलो गाइस चलो भाई वहाँ से ये राइड बजी थी मेरे पास रैपिडो में और भाई मज़ा आ गया खूब बातें करी इसके साथ मैं तो सोच रहा था भाई 15-20 किलोमीटर की राइड होती है ऐसी राइड मिल जाए ना कसम से 15-20 किलोमीटर की मज़ा आ जाएगा भाई आराम से ड्रॉप करेंगे बाकी भाई 76 रुपये का ये वाली राइड थी मेरी और भाई मेरे को ऊबर में कितना काम हुआ है हाँ खुल जाओ ऊबर भाई ऊबर में मेरा 143 रुपये का ऊबर में हो रखा है और 76 का हमारा रैपिडो में हो रखा है और भाई 28 रुपये का हमारा ओला में हो रखा है हाँ तो बढ़िया है तो बाकी अभी वेट कर ओके चलो भाई रैपिडो में फूड का ऑर्डर बचा था मेरे पास ये 2:14 हो चुके हैं बाकी भाई रैपिडो में मेरा 191 रुपये का काम हो गया है 50 रुपये का ये ऑर्डर था और भाई जो काम हो रखा है हमारा बोले तो 215 रुपये का ऊबर में और 28 रुपये का ओला में ठीक है बुरा नहीं है वैसे 450-450 के समथिंग हो गया हमारा काम अभी तो वेट करते हैं अभी कोई बढ़िया सी राइड बचती है तो या फिर ऑर्डर बचता है गाइस बाकी ओला भी खोल देते हैं भाई मैं ओला चेक कर रहा था एक बार जो मैंने सुबह राइड मारी थी ना इसमें 28 रुपये मिले थे मेरे को वैसे भाई इसमें राइड अर्निंग दिखा रहा देखो 37 रुपये टैक्स डिडक्शन देखो इसमें आप TDS 194C 7.5 रुपये का TDS काटा इसने फिर TDS 194O 1.90 मतलब 2 रुपये का TDS काटा इसने टोटल 9.5 रुपये का TDS काटा भाई इसने कितने रुपये में 48 रुपये की राइड में 9.5 रुपये का TDS ये TDS क्यों काट रहा होगा ये मेरा इतना भाई किसी को पता होगा अगर इसके बारे में वैसे मेरा पैन कार्ड वगैरह सब कुछ लिंक है भाई क्यों काट रहा होगा इतना ये TDS भाई किसी को पता होगा तो भाई बता देना मेरे को हाँ वरना भाई कोई फ़ायदा नहीं है ओला करने का मेरा तो 9 रुपये भाई TDS कट रहा ये 40 रुपये की राइड में 9 रुपये TDS कटा है अगर 100 रुपये की राइड लेके जाऊँगा तो भाई 20-25 रुपये TDS कटेगा सीधा तो उसमें तो भाई नुकसान है मेरा मैं तो सोच रहा था कि ओला खोल देता हूँ पर नहीं यार कोई बताएगा तो मेरे को भाई बता देना कि भाई TDS क्यों कट रहा है इतना ठीक है ओला में तो लो भाई एक ऑर्डर बच गया मेरा बेकिंगो रैपिडो में ऑर्डर है यहाँ से वो मिलता है ये ऑर्डर होगा यार 9212 ठीक है क्या चीज कस्टमर की लोकेशन मोकमपुर गेस्ट हाउस ये दिखा रहा है IIP के अंदर हाँ होगा कुछ काम भाई को बाकी गाइस ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया देखो मोकमपुर गेस्ट हाउस की साइड लेके जाना है इसको तो चलो हो भाई गर्मी लग गई गाइस अब तो मेरे को भाई 4 बजने वाला है अच्छा गाइस इनका है ये ऑर्डर क्यूट गर्ल ओके चलो भाई ऑर्डर तो मैंने मार दिया है डिलीवर 4 बजने में बस 6 मिनट है बाकी भाई 82 रुपये मिले इस ऑर्डर के मेरे को अच्छा सर्ज भी मिला है भाई इसमें सही है बाकी 350 रुपये का इसमें हो गया है और भाई ऊबर में हमारा कितना हो रखा है ऊबर में 250 रुपये का हो रखा है हमारा ठीक हो गया वैसे
53 वो दिखा रहा है आप में कुछ क्या बोलते हैं है? कोई कोड वगैरह मिला था क्या? पता नहीं, मैं तो ऊपर ही आज ही डाला है। अच्छा पहली बार किया ना, हाँ तो आपको मिला होगा क्या बोलते हैं डिस्काउंट। इसमें ये डिस्काउंट बंदे ही ऊपर रहता है, ये तो ऊबर पहली राइड पे होगा शायद। नहीं तो ये ऊबर रीएम्बर्स करते हैं कि आप करते हो ऊबर? ये ऊबर वाले करते हैं। आपको तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना। अभी देखते हैं मेरे को कितना मिलेगा। मेरे को 68 दिखा रहा था यहाँ। अच्छा दिखाया नहीं इसने। दिखाई नहीं इसने मेरे को। चलो ठीक है, ओके भैया। ओ भाई साहब थक गए भाई। गाइस कुछ भी बोलो, गाइस कुछ भी बोलो, पर मज़ा आ गया भयंकर काम में आज। देखो अभी मैं आपको टोटल गिना देता हूँ भाई। अभी देखो शाम के बज गए हैं 5:30, और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ मेरी गाड़ी चली कितनी है। 134 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, ठीक है। और भाई देखो मेरा ऊबर में काम 385, और भाई रैपिडो में काम 425, और भाई ओला में 28 रुपये का एक ऑर्डर मारा था मैंने। ये देखो अब इसको टोटल किया जाए तो भाई +425 +425 +28 भाई 838 रुपये का हमारा काम हुआ है आज टोटल। कितने घंटे में? 10 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब 7 घंटे में हमने 850 रुपये कमा दिए। 838 रुपये, नॉट बैड गाइज। और भाई 134 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई है, तो समझ लो वही 250 रुपये का तेल लगा लो जाओ अपना। वही है कि भाई 550-600 रुपये का काम हो गया है, बहुत है भाई। तो गाइज यही था हमारा आज का काम। बाकी बात करें तो ओला की, भाई ओला सही है अपनी जगह पे, बस मेरे में कमीशन ज़्यादा काट रहा है अभी। क्या पता मेरे में ही काट रहा हो वो, क्योंकि TDS ना बहुत सी कंपनी ऐसी होती है, क्योंकि जैसे Zomato में अगर कोई आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं करवाता ना, तो भाई उसका TDS बहुत ज़्यादा कटता है। मतलब पर डे एक हफ्ते का 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार ऐसे TDS काटता है Zomato में। और Blinkit में भी काटा था एक बंदे का 3,000 रुपये TDS। तो वही है, क्या पता मेरा कोई लिंक वगैरह ना हुआ हो कुछ, तो इस वजह से मेरा 48 रुपये के ऑर्डर में 10 रुपये का TDS काटा था उनने। अभी लगा लो अगर मैं 100 रुपये का काम करूँगा तो भयंकर वो कम से कम 25-30 रुपये मेरा TDS काट देगा। तो इस वजह से भाई मैंने उसे बंद कर दिया था ओला को। बाकी कोई किसी को नॉलेज होगी इसके बारे में तो भाई ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। बाकी देखेंगे, ओला भी ठीक है अपनी जगह पर, और राइड बहुत है भाई ओला में। मतलब जैसे खाली बैठा है ना बंदा, तो ओला ऑन कर दो, बढ़िया राइड बजेंगी। बाकी गाइस यही था हमारा आज का काम। मिलते हैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और भाई नए हफ्ते के साथ नई शुरुआत करेंगे। तो गाइस बाय बाय।